और एक बड़ी खबर, मुंबई के समंदर में हाईटाइड आया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, लोगों को समंदर के पास जाने से रोका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईटाइड की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के समंदर में मानसून के मौसम में अक्सर देखा जाता है समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अब फिलहाल लोगों को समंदर के पास जाने से रोका गया है। लोगों की टीमें, लोगों को वहां पर मौजूद जो टीम्स हैं वो रोक रही हैं कि आप समंदर के किनारे ना जाएं। और सीधे राकेश त्रिवेदी का रुख करते हैं, मरीन ड्राइव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश, क्योंकि वीकेंड है और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लोग पहुंचते हैं समंदर के किनारे समय अपना बिताने के लिए अपने वीकेंड का, लेकिन अभी क्या वहां पर स्थिति है और क्या अलर्ट जारी किया गया है लोगों के लिए? देखिए, मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मुंबई के मलाड़ के आगसा बीच के पास के, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि समंदर जो है वो अपने पूरे उफान पर है। इस वक्त जो बरसात तो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन समंदर में जो आप देख सकते हैं कि 4 मीटर ऊंची जो लहरें हैं वो उठ गई है, और इसीलिए जो है हाईटाइड का ये वक्त है। तकरीबन 11:30 बजे हाईटाइड जो है वो का वक्त का अनुमान बताया गया है, जिसमें 4 मीटर ऊंची लहरें उठ गई है। जितने उनसे ये जो है अपील की गई कि वो समंदर के किनारे इस वक्त ना जाए, क्योंकि जब समंदर अपने उफान पर होता है तब वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और खासतौर से हाईटाइड के वक्त जब तमाम अलग अलग जो इलाके हैं जहां से पानी का जो समंदर में छोड़े जाने के जो रास्ते वो भी बंद कर दिए जाते हैं, ऐसे में इस बीच अगर बरसात होती है तो कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर मैं कोशिश करूं मैं कैमरा मैन को दिखाने की, तो देखिए समंदर का जो पानी है ये बाहर सड़कों पर भी आ गया है, और ऐसी ही परिस्थिति जो है अलग अलग ठिकानों पर देखने मिलती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी स्लो मूविंग हो जाता है। लेकिन अगर फिर से अगर मैं आपको समंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो समंदर में इस वक्त काफी जो ऊंची लहरें उठ गई हैं, ये तकरीबन 12 फीट ऊंची लह गए हैं, और यही वजह है कि चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे वो गिरगांव चौपाटी हो, जूहू चौपाटी हो, ये मड और आगसा के इलाके, ये वो सेंसिटिव इलाके जहां पर यात्रियों को, जहां पर टूरिस्ट को और स्थानीय लोगों को संभल करके जाने की कोशिश जो है वो अपील की गई, खासतौर से उन लोगों को जो यहां पर रील बनाने जाते हैं, फोटो खिंचवाने जाते हैं, वीडियो बनाने जाते हैं, उन्हें खासतौर पर हिदायत दी गई है कि आप समुद्र के किनारे जाकर के सतर्क रहिए। हमने देखा पास्ट में कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर लोग रील बनाने के लिए गए और हादसे का शिकार हो गए, तो ऐसे लोगों को खास अपील की गई कि वो यहां पर जाकर के किसी भी तरह की ना वीडियोग्राफी कीजिए ना फोटोग्राफी कीजिए। ऐसा हमने पिछले साल भी मानसून में देखा था, उम्मीद है इस बार लोग ऐसा ना करें, अपनी जिंदगी जोखिम में ना डालें और प्रशासन के जो निर्देश हैं उन्हें जरूर फॉलो करें। शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। हाईटाइड की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश आपको दिखा रहे थे।